पेपर हुआ लीक, हुई खूब फजीहत, 300 के आसपास जो शिक्षक अभ्यर्थी थे, नौजवान बेरोजगार थे, जो शातिर थे और जो साजिशकर्ता थे, सभी को देर रात कोर्ट में पेशी के बाद जेल भेज दिया गया, न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। इधर इतने बड़े जो बीपीएससी की तैयारी थी, उन तैयारियों में सेंधमारी की गई कि एग्जाम से एक दिन पहले पेपर लीक होता है और बीपीएससी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहती है, पता ही नहीं चलता है बीपीएससी को कितना बड़ा कांड हो जाता है। लेकिन अब बीपीएससी भारी फजीहत के बाद 48 घंटे गुजरने के बाद पेपर लीक मामले पर बड़ी बैठक करने जा रही है। बीपीएससी के जो नए चेयरमैन हैं, उन्होंने अपने अधिकारियों की बैठक बुलाई है और इस पूरे मामले पर छानबीन के बाद फैसले लिए जाएंगे। बड़ा सवाल, क्या जो परीक्षा हुई है वो परीक्षा रद्द होगी? क्योंकि पेपर लीक हुआ, पेपर का मिलान हुआ और पकड़े गए लोगों को जेल भेजा गया। पकड़े गए लोगों को जेल भेजा गया यह प्रमाणित है, यह प्रमाण है कि गड़बड़ियां हुई हैं। बिहार में नहीं, झारखंड में शातिर बैठे हुए थे और झारखंड से बड़ा खेल खेला गया। और अब बिहार में इस पूरे मामले पर हाई लेवल मीटिंग शुरू कर दी गई है और इस मीटिंग को लेकर जो सीधे तौर पे तैयारी है बीपीएससी के द्वारा, जिसमें यह बताया जा रहा है कि अब बीपीएससी के जो अधिकारी, बड़े अधिकारी हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो इन लोगों के आज मीटिंग में यह फाइनल निर्णय लिया जाएगा कि आखिरकार अब आगे क्या होगा। पेपर अगर लीक होता है तब भी सरकार और बीपीएससी की भारी फजीहत होगी, क्योंकि बीपीएससी ने जब शिक्षकों की भर्ती परीक्षा की शुरुआत की थी तब उन्होंने यह भरोसा दिलाया था कि देश में पहली बार ऐसे तकनीकों का इस्तेमाल, प्रयोग, उपयोग किया गया है जिससे नकल और गड़बड़ी करने वाले लोगों को पकड़ा जाएगा। लेकिन पुराने अध्यक्ष के जाते ही, नए अध्यक्ष के चार्ज में आते ही यह बड़ा खेल हो गया और बीपीएससी हाथ मलती रह गई। और अब भारी फजीहत, बिहार में जो दाग था कि कोई भी परीक्षा बिना पेपर लिखे हुए नहीं हो पाता है, वो दाग एक बार फिर से लग गया। हालांकि बीच में बीपीएससी के अधिकारियों ने इसे सुधारने की भरसक कोशिश की थी, लेकिन अब जब पेपर लीक हो गया है तो सवाल पूरे बीपीएससी के कार्यशैली पर उठ रहा है। इस पेपर लीक को बीपीएससी जितनी गंभीरता से ले रहा है, उससे ज्यादा बिहार के राजनीतिक दलों के बीच जो सियासत है वो हो रही है। यही वजह है कि अब बीपीएससी ने आनन फानन में बड़ी बैठक बुलाई और इस बैठक में मंथन होगा और मंथन के बाद यह फैसला होगा कि पेपर को लेकर क्या करना है। जो लोग दूर दराज से आकर परीक्षा दिए थे, जो ईमानदार थे, उनकी किस्मत फिर से दाव पर होगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।